हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन बेसिकली होता क्या है? ठीक है, हमने पढ़ा था अभी तक दो पॉइंट चार्ज के बारे में, जहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा था दोनों पॉइंट चार्ज के अनुसार। लेकिन अगर हमारे पास एन चार्ज दिया हुआ है तो हमारा कितना फोर्स होगा किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर, हमें ये देखना है। तो सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपर पोजिशन, अगर टोटल फोर्स या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बता रहा है। सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? हमें किसी पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है तो उसमें फोर्स निकल रहा था, लेकिन अगर हमारे पास एन चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्ज दिए हमें, ठीक है, तो हमें फोर्स किस तरह से निकालना है, क्या निकालना है, हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, अगर सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज बॉडी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एग्जर्टेड बाय द एन नंबर ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फोर्स किसी चार्ज बॉडी पे कितना हमारा हुआ इज इक्वल टू द वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हम क्या लिख रहे हैं? वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्स एग्जर्टेड बाय द एन नंबर ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास एन चार्जेस दिए हुए हैं तो हमारा टोटल फोर्स इसके कारण से किसी पर्टिकुलर चार्ज बॉडी पे कितना हुआ। ठीक है, सपोज हम अगर हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं एक्स वाई जेड का, ठीक, हमें निकालना है टोटल फोर्स किसी चार्ज बॉडी पे कितना हो रहा है ड्यू टू एन चार्जेस। सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं, क्यू वन है और क्यू एन है और क्यू आई है, हमें क्यू आई पे निकालना है टोटल फोर्स। देखिए हम यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पिक्चर क्लियर नहीं आएगा हमारा, इसलिए क्या लिया हमने, दो ही चार्ज को लिया और हमें थर्ड चार्ज पे निकाला टोटल फोर्स। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका नामकरण करेंगे हम एक्स वाई जेड, और इसका हम पोजिशन बताएंगे ऑरिजिन से, इसका हम पोजिशन बताएंगे पहले। इसका पोजिशन हमारा है ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है, ये पोजिशन हमारा आ गया। दैट मीन्स ये हमारा वैल्यू कितने है, आर वन, ये कितना है मेरा आर आई, आर ए मेरे कितना है आर एन। ठीक है, हमें देखिए क्या करना है, हमें निकालना टोटल फोर्स क्यू आई पे कितना आया ड्यू टू क्यू वन ऑन क्यू वन, मतलब इसके कारण से और इसके कारण से हमारा टोटल फोर्स कितना आया। हमने वही डेफिनेशन लिखा है कि द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज बॉडी, द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज बॉडी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस ड्यू टू एन चार्जेस, क्यू क्यू वन क्यू टू के कारण से हमारा टोटल फोर्स इस पर कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक कंस्ट्रक्ट कर लिया। अभी देखिए हम सबसे पहले यहाँ देखना चाहते हैं कि इसके कारण से इस पर फोर्स हमारा कितना आ रहा है। तो क्या आप ऐसा देख पा रहे हैं क्या, ये फोर्स हमारा इधर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि प्लस है, प्लस है और दोनों का सेंटर डिस्टेंस हमारा ऐसा ही होगा, एफ वन हमारा होगा ये, ठीक है, ये हमारा हो गया कंडीशन यार, अरे बोलो। ठीक है, अभी हम इस पर देखना चाहते हैं कि इस पर फोर्स कितना आ रहा है इसके कारण से, तो ये हमारा फोर्स इधर जाएगा, क्यों जाएगा इधर, क्योंकि दोनों क्या है, रिपल्सन है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। ठीक, अभी देखिए इसका और इसका पोजिशन मेरा कितना है, आर आई माइनस आर वन, वैक्टर ऑफ एडिशन से कर दीजिए आप लोग, और इसका कितना आएगा मेरा आर एन माइनस आर आई। ठीक है, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया आर एन माइनस आर आई, ये मेरा हो गया। ठीक, अब देखिए हम सुपर पोजिशन में करने क्या वाले हैं, तो देखिए हमारा फोर्स एफ हमारा कितना आएगा, एफ नेट की बात करें हम, दैट मीन्स एफ आई की बात करते हैं हम, इक्वल टू मेरा कितना आएगा एफ वन प्लस एफ टू। देखिए हम बहुत सारा फोर्स लिख सकते थे, सॉरी एफ एन है, लेकिन क्या पिक्चर गलत हो जाएगा हमारा और पिक्चर आपको क्लियर नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया, दो फोर्स लिया, एफ लिया है वन लिया और एन लिया है डायरेक्टली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें टोटल फोर्स निकालना है एफ आई पे, एफ आई पे निकालना है हमें, तो आपको पता चल रहा है कि एफ वन हमारा कितना आएगा, एफ वन हमारा आ जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है,
Q1 Q i बाय। अब देखिए हम अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें, हम R1 - Ri का मॉड का क्यू, ये बता दिया हूँ सब चीज़ में, ये हमने सब बता दिया है पहले, ठीक। इसको आप देख सकते हैं। अगर हम एफ एन की बात करते हैं, एफ एन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught, ठीक, क्यू एन और क्यू आई बाई आर एन माइनस आर आई को होल क्यू और आर एन माइनस आर आई, ये हो जाएगा कंडीशन। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो यही हमारा सुपर पोजिशन हो गया। अब दोनों को ऐड कर दीजिए हमारा, तो एफ आई पे कितना आ जाएगा हमारा, दिस क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं क्या, 1/4 pi epsilon naught, और दोनों में कॉमन हमारा क्या है, क्यू आई, बाहर निकाल दीजिए आप लोग, ठीक है। ये हमारा आ गया क्यू वन आर वन माइनस आर आई डिवाइड बाई प्लस क्यू एन आर एन माइनस आर आई ये मेरे हो गए सुपर पोजिशन, ठीक है। हम इसको बढ़ाते जाएंगे आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हमारा हो गया सुपर पोजिशन, ठीक है। अगर हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो क्या होगा हमारा, सेम हमारा होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हमारा क्या होगा, थोड़ा सा हमारा डिफरेंस क्या होगा, ये वैल्यू हमारा कट जाएगा, ये वैल्यू हमारा कट जाएगा। कैसे कट जाएगा हमारा, सपोज अगर सपोज यही मेरा होता सुपर पोजिशन थ्योरम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता मेरा, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का होता, इसी में हम चाहते हैं कुछ करें, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा होता, ठीक है, तो क्या लिखता, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज बॉडी इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड बाय द एन नंबर ऑफ चार्जेस, यही डेफिनेशन हमारा होता। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको सब मिटा देंगे, हम सब हम लोग मिटाएंगे वैल्यू को, से वैल्यू में मिटाएंगे और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपर पोजिशन फाइंड करेंगे हम लोग। तो ई नेट हमारा कितना आ जाएगा, सपोज ई नेट, और अगर हम ई आई की बात करते हैं, ई आई की बात करते हैं, सपोज हमने क्यू आई हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ई आई इक्वल टू ई वन प्लस ई एन, ये हमारा आ जाएगा। अब अगर हम ई वन की बात करें, ई वन मेरा कितना आ जाएगा, 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, क्यू वन, ठीक, बाय आर, इतना आ जाएगा हमारा। ये हमारा आ गया, ठीक है। उसी तरह ए टू मेरा कितना आ जाएगा, 1/4 pi epsilon naught क्यू एन, ये हमारा आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे वैल्यू, हमारा तब सुपर पोजिशन बता रहा है। तो अगर हमारे पास एन चार्जेस दिए हुए हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हमारा कितना आने वाला है, ये हमारा बता रहा है, ठीक है, ये सुपर पोजिशन हमारा होगा। तो चलिए हम आगे कुछ जानते हैं, थोड़ा सा हम ग्राफ देख लेते हैं, थोड़ा सा हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ बिटवीन ई एंड एक्स। देखिए आपको पता है ई का जो फॉर्मूला आया था के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था हमारा, ठीक, इंटेंसिटी का हमारा आया था इतना, ठीक है। देखिए इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं, सपोज ये मेरा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, तो इसका जो ई है और एक्स है उसकी ग्राफ हमारी ऐसी आई है, ऐसे हमारा आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको पता है कि हाइपरबोला का ग्राफ हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर हमारा है तो क्या होगा, थोड़ा सा और ग्राफ हमारा क्या होगा, अंदर की ओर आएगा, ठीक है। तो ये सपोज अगर हम एक्स की वैल्यू, सपोज अगर हम एक्स की वैल्यू हम अगर जीरो लेते हैं तो ई हमारा कितना आ जाएगा, ई हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर, अगर एक्स की वैल्यू हम इन्फिनिटी लेते हैं तो ई हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। अगर हम
एक्स के वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कि एक्स हमारा क्या अप्रोच कर रहा है इस ग्राफ का। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से मिलाते हैं इसको, हम यहाँ से हम अगर मिलाते हैं तो एक्स मेरा क्या जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है ऊपर, दैट मीन्स इन्फिनिटी पे है। लेकिन जैसे हम एक्स को बढ़ाते हैं इन्फिनिटी ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आने लगता है, जीरो आने लगता है। ठीक है, उसी तरह ये हमारा ग्राफ है, ठीक उसी तरह हमारा क्या हुआ ये, अगर हम लोग एक्स एक्स अगर हम लोग ले जाते हैं जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अगर एक्स ले जाएंगे हम लोग माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा क्या आ जाएगा जीरो। तो ये ग्राफ हमारा आ गया ई और एक्स के बीच में। तो ग्राफ आपको प्लॉट करने देगा एग्जाम में, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देखेंगे कि ग्राफ हमारा किस नेचर का है, और ये ग्राफ हमारा हो गया। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम लोग अभी देखते हैं डायपोल और डायपोल मोमेंट, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। डायपोल हमारा क्या होता है, डायपोल बेसिकली अरेंजमेंट होता है। डायपोल हमारा क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का। अगर हमारे पास दो चार्ज है, एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, और दोनों का बीच का सेपरेशन सपोज ये डिस्टेंस हमारा 2L है, तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डायपोल। डायपोल का मतलब क्या हुआ, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द टू चार्जेस। दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है लेकिन साइन हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। और दोनों का डिस्टेंस अगर मान लीजिए 2L हुआ, 2A भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये अरेंजमेंट हमारा हुआ तो हम लोग बोलेंगे डायपोल। दैट मीन्स इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L और 2A इज कॉल्ड डाइपोल। ठीक है, दैट मीन्स हमारा ये क्या हुआ, एक तरह का अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा क्या हुआ डाइपोल का अरेंजमेंट हो गया। अगर डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो ये हमारा क्या हुआ एक तरह का, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड हैविंग सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L इज कॉल्ड डाइपोल। देखिए हमने क्या बोला, एक अरेंजमेंट था जहां पे दो चार्ज हमने लिया है, ये तो होना ही है। डाइपोल एक अरेंजमेंट है, दैट मीन्स प्लस का एक माइनस का होना ही है। अगर ऐसा होगा दैट मीन्स हमारा डाइपोल बना रहा, अगर दोनों पॉजिटिव हो गया दोनों नेगेटिव हो गया तो डाइपोल हमारा नहीं बना पाएगा। तो डाइपोल बनने के लिए दो अलग अलग चार्ज होना जरूरी है सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत है फिर। और दोनों के बीच में सेपरेशन हमारा कुछ होना चाहिए। आप यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हमने अपने सुटेबिलिटी के अनुसार से 2L लिखा है। आपको पता चलेगा बाद में जब कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तब पता चलेगा यार कि यार हमने यहाँ पे 2L क्यों लिखा या 2A यहाँ पे क्यों लिखा हमने। सो ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए इसका डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। देखिए डाइपोल को बेसिकली हम लोग पी से डिनोट करते हैं और डायरेक्शन हमारा जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब होता है एग्जाम में आपका पूछेगा कि डाइपोल हमारा क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पे दो चार्जेस हमारे पास है जिसका डायरेक्शन जिसका वैल्यू हमारा सेम होगा लेकिन अपोजिट इन नेचर होगा, और दोनों के बीच में सेपरेशन सपोज कुछ है, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। और इसका जो डायरेक्शन हमारा होता है माइनस से होता है प्लस। ठीक, अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए हमने क्या बोला, डाइपोल मोमेंट हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट हमारा क्या बोला कि अगर इट इज द मैग्नीट्यूड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर कोई भी चार्ज की बात करते हैं, सपोज हम प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड लगाते हैं हम तो वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आने वाला है। ठीक है, तो
हमने क्या बोला, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज को उठा लें आप, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 12। ठीक है, ये हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो इसका यूनिट हमारा हो जाएगा कूलम मीटर। ये बेसिकली हमारा हो गया डाइपोल मोमेंट और डाइपोल। तो चलिए हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, डाइपोल मोमेंट का कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। जल्दी जल्दी क्लास इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा, डायरेक्शन इसकी किधर है, डायरेक्शन इसका हो गया हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, सपोज ये आपका कोई अरेंजमेंट है, ये आपका क्या कोई अरेंजमेंट है जहाँ पे माइनस टू क्यू का है, ये प्लस क्यू है और प्लस क्यू है, ये अरेंजमेंट आपका है, तो हमें निकालना डाइपोल निकालना। तो हमने क्या बोला, डाइपोल के लिए दो चार्ज का होना जरूरी है, और चार्ज हमारा किस नेचर का होना चाहिए, डी सिमिलर, दैट मीन्स सेम नहीं होना चाहिए हमारा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें निकालना है, सपोज डाइपोल यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट निकालने बोलेगा। सपोज ये मेरा क्या है, ए है, ए है, ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। सपोज ये मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए डाइपोल मोमेंट तभी निकलेगा जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज है, तो अगर नहीं है तो नहीं निकलेगा। अभी सिस्टम पे आप देख रहे हैं, सिस्टम पे कहाँ हमारा अपोजिट नेचर का चार्ज हो सकता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या, अगर क्यू है, क्यू है, तो यहाँ पे हमें स्प्लिट करना होगा माइनस क्यू और माइनस क्यू में स्प्लिट करना होगा, तभी हमारा डाइपोल मोमेंट बन सकता है। यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि इसके कारण से हमारा पॉजिटिव, यही पॉजिटिव है, नहीं निकलेगा हमारा, तो हमें यहीं पर निकलेगा हमारा, यहाँ पे भी नहीं निकाल सकते, यहाँ पे भी नहीं निकाल सकते, सिस्टम का हमारा डाइपोल यहाँ नेट यहाँ निकलेगा हमारा। तो देखिए अगर हम सिस्टम को डिफाइन करें, हम ये हमारा सिस्टम हो गया, ठीक है, और इसको हम अगर स्प्लिट करते हैं माइनस क्यू और माइनस क्यू में, ये मेरा प्लस क्यू था, ये मेरा प्लस क्यू था, तो देखिए ये मेरा ए था, ए था, ए था। अब डाइपोल हमने किधर बोला, डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से इधर आएगा, ठीक है, प्लस, तो क्यू इंटू ए, हमने क्या बोला, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द, या हमारा अगर हम इसकी बात करते हैं, इधर आएगा हमारा क्यू इंटू ए। ठीक है, ये कैसे आया हमारा डायपोल मोमेंट, हमने क्या बोला, नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव आता है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया कि डायपोल मोमेंट हमें निकालना है, तो कुछ चार्ज का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव रहना जरूरी है, रहेगा ही, अगर ऐसा हुआ तभी हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन निकलेगा, अन्यथा क्वेश्चन हमारा नहीं निकलने वाला आपके पास। ठीक, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमने स्प्लिट कर दिया माइनस क्यू में, और हमें पता है कि डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, माइनस से प्लस आता है हमारा, और इधर से माइनस से प्लस हमारा आएगा, तो डायरेक्शन हमारी ऐसी है, और इधर से ये आया हमारा, और डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट हमारा इधर आएगा, इधर आएगा पी नेट, पी नेट हमारा कितना आएगा 60 डिग्री पे, थीटा मेरा कितना आएगा 60 डिग्री पर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ दिस 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 का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर प्लस टू क्यू ए क्यू ए कॉस 60 डिग्री, ये आपका हो गया। तो ये कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग cos 60 हमारा कितना हो जाएगा 1/2 से हमारा चला जाएगा, ये वैल्यू हमारी कट जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई, ये दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ क्यू ए का होल स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा रूट 3 टाइम्स ऑफ क्यू ए, दैट मीन्स कूलम मीटर, ये नेट डाइपोल हमारा सिस्टम का आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आप ज़रूर बनाएं, और जो भी CBSE में भी हैं ये तो ज़रूर देखें आप लोग, स्टेट बोर्ड में जो भी है ये ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होता है। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं डाइपोल का, हमारा डाइपोल मोमेंट का। सपोज अगर कोई चार्ज है क्यू ए, बिकॉज इसका वैल्यू है 2.5 इंटू 10^-9 कूलम, और क्यू बी का वैल्यू हमारा कितना है 2.5 इंटू 10^-19 कूलम। ठीक है, अगर ए का पोजीशन हमारा है 0, 0, 15, -15, और बी हमारा कितना है 0, 0, 15। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल चार्ज एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए अभी क्या है कि अगर ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सपोज ये आपका कोई सिस्टम है, ठीक, एक्स वाई और जेड। ठीक है, हमने क्या बोला, इस पे चार्ज दिया हुआ 2.5
ए पे इतना दिया हुआ है, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें, हम ए की बात करें, दैट मीन्स 0 0 -15, ठीक। -15 अगर हम देते हैं तो ये हमारा, इसको सपोज ये हमारा हो गया एक्स, वाई हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा जेड, तभी हमारा -15 इस लाइन पे आएगा हमारा, ठीक है। और हम अगर हम ए की बात करें या फिर हम अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी में हमारा कितना दिया हुआ है, 0 0 और 15, ये हमारा दिया हुआ है। तो इस पे चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्यूबी पे इस पे दिया हुआ, क्यूबी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है -2.5 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये वैल्यू आपकी कॉन्फिगरेशन दी रहेगी एग्जाम में, ठीक है। ये थोड़ा सा सीबीएसई का नहीं है, आप थोड़ा सा हाईर लेवल का ही है, आप जो सीबीएसई की तैयारी करें इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के लिए सोचना मुश्किल हो जाएगा। क्यू है हमारा कितना है, -2.5 सॉरी +2.5 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब देखिए क्या बोला, टोटल चार्ज निकालना है। आपको पता है कि टोटल चार्ज हमारा इस कॉन्फिगरेशन में कितना है, टोटल चार्ज हमारा कितना है, टोटल चार्ज हमारा क्या है, चार्ज हमारा क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको ऐड कर सकते हैं। क्यू नेट हमारा कितना हो जाएगा, Q1 कितना हमारा +2.5 -9 प्लस माइनस में दिया हुआ दिस इंटू दिस कूलम इक्वल टू मेरा कितना आया, 0। दैट मीन्स हमारा नेट चार्ज हमारा कितना आया, 0 आया, ठीक है। अभी हमें निकालना है डाइपोल मोमेंट, अभी हमें क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पी। हमने क्या बोला, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज, किसी भी चार्ज को लिख दीजिए मैग्नीट्यूड के साथ में। आप किसको लिखना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं, चलिए लिखिए -2.5 × -19, ठीक। ये हमारा हो गया -19 का इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अब ये दोनों के बीच का हमारा डिस्टेंस कितना है, 15 ये ऊपर है, 15 नीचे है, दैट मीन्स 30 का, और ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था। इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट 30 सेंटीमीटर बाई 100। तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये आपका आ गया 2.5 × 19 × 0.3, दैट मीन्स 75 कूलम मीटर, ये आपका आ गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं हम लोग आगे, इसके आगे। थैंक यू।